आगे 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 मत हेड के आगे आते हैं फिर जाके सब लोग यही बैठ जाइए अपनी जगह पे। भैया आप हाथ गिरा एक पट्टी और नदीम ने जो ज्ञापन बनाया है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम बनाया है और ये मार्च जो हमने निकाला है ये जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है स्पेशली कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में उसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। जिस तरह 15 दिसंबर में 7-8 सिविलियंस को मारा गया और अगर हम सिविलियंस ज़्यादा मॉब है तो हम उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाठी चार्ज कर सकते हैं और अगर सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल में नहीं है तो हम अगर पैलेट गन का इस्तेमाल करें, गन का इस्तेमाल करें तो वेस्ट से नीचे करें, वेस्ट से ऊपर डायरेक्ट फायर कर रहे हैं क्या मतलब है। तो खुला खुला ये यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है जिसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट आज निकाला है और तादाद में जितने लोग हैं सब स्टूडेंट्स हैं, सब ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर हो या कहीं हो आपको प्यार मोहब्बत फैलाना होगा, नफरत से कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वो साइलेंट हम पीस मार्च निकाला है हमने क्योंकि पिछले कुछ टाइम ऐसी चीज़ें आई हैं कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी नारे और इस तरह के नारे, तो हमने वो मैसेज दिया है अपने प्ले कार्ड के थ्रू कि हम किस तरह से जो मोहब्बत फैलाना चाहते हैं और ये लोग नफरत की तरह उसको देखते हैं। कुछ छात्रों ने जो एक सिंबॉलिक पट्टी अपनी बांधी है लाल रंग से, इसका क्या पैलेट, ये हम पैलेट इंजरीज को हम दिखाना चाह रहे हैं। जिस तरह से कश्मीर का हमने यहाँ एक रोल मॉडल तैयार किया है अपने बच्चों से के साथ, वो दिखाना चाहते हैं किस तरह से वहाँ इंजरीज हैं। ये तो बस आप इसको इंजरीज देख के आप परेशान हैं, वहाँ जो लोग एक्चुअल में इंजरी फेस कर रहे हैं उनके माँ बाप से पूछिए।